रॉबर्ट वाड्रा बीती रात अमेरिका से दिल्ली लौट आए हैं और वह मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस के सिलसिले में आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगे। सूत्रों के मुताबिक वह अपनी मां के इलाज के लिए लंदन में थे और वहां से अमेरिका चले गए थे। वाड्रा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अर्जी लगाई थी। बता दें, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उनकी इस अपील पर सुनवाई करते हुए पिछले हफ्ते ही दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने उन्हें राहत दी थी, जिसके बाद वाड्रा के वकील केटीएस तुलसी ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया था कि उनके मुवक्किल वाड्रा जांच में सहयोग करेंगे। आपको बता दें कि कोर्ट ने वाड्रा को 16 फरवरी तक गिरफ्तारी से राहत देते हुए कहा था कि उन्हें पूछताछ के लिए 6 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना होगा। इससे पहले अदालत ने वाड्रा के करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा की गिरफ्तारी पर 6 फरवरी तक अंतरिम रोक लगा दी थी। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज punjabkesari.com को लाइक करें, और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज punjabkesari.com को सब्सक्राइब करें। अभिषेक माथुर, पंजाब केसरी, दिल्ली।